वख-वख रंग ने भारत जोड़ो यात्रा के, उन्हां चों एक रंग तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हैं। झांसी यूपी तो बाई हुणी आ छोटे ट्रैक्टर ते मिनी महिंद्रा ते आए ने। बहुत अच्छा, हमारा यहाँ स्वागत हुआ पंजाब में। राहुल गांधी जी भारत जोड़ने को निकले हुए हैं, क्या लगता है भारत तोड़ा किसने है? 1984 में पंजाब ने और दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस को नहीं बल्कि प्रशासन को दोषी मानते हैं। हमारे प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। उसके बाद राजीव गांधी जी का बयान भी तो देख सकते हैं ना, वो बयानों को। राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता था, क्या वो धारणा टूट गई है? ये तो देखो, हम भारत नूं जोड़न दे लई राहुल गांधी निकले हुए ने। पंजाब दे विच इस समय भारत जोड़ो यात्रा मौजूद है, लगातार पड़ा दर पड़ा अगे वल वध रहे ने। हुण टी ब्रेक होई हुई है, राहुल गांधी रुके हुए ने, वख-वख रंग ने भारत जोड़ो यात्रा दे, उन्हां चों इक रंग तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हैं। झांसी यूपी तो बाई हुणी आ छोटे ट्रैक्टर ते मिनी महिंद्रा ते आए ने, गल्लबात इन्हां दे नाल करांगे। बाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? आज तो मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे ये सुना है यात्रा में कि हमारे जो जालंधर से वर्तमान में सांसद हैं स्वर्गीय आज हो गए हैं, संतोष चौधरी। हाँ, संतोष सिंह चौधरी जी, तो मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा में आप ट्रैक्टर के साथ चल रहे हो, कितनी सपोर्ट करते हो अपने लीडर को? ये देखिएगा कि हम दो भागों में आए, पहले 9 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दिल्ली तक आए थे, फिर हम गांव चले गए, तो गांव में हमने अपने खेती का काम किया, फिर 10 जनवरी को चले हैं, तो 10 से 11 पानीपत, पानीपत से 11 की रात को आ गए थे खन्ना साहब, खन्ना साहब से 12 को चले तो आ गए थे आपके लुधियाना, लुधियाना में 13 का जो ब्रेक रहा तो उसमें हम रेस्ट किए। श्री खुशमत सिंह जी जो वहाँ सरपंच हैं, उनके भाई, तो उनसे बातचीत होती रही, बैठे रहे, बहुत अच्छा बातचीत हुआ। बहुत अच्छा, हमारा यहाँ स्वागत हुआ पंजाब में, और यात्रा का भी स्वागत हम देख रहे, तो इस पंजाबियत को ही हम सीखना चाहते थे, और उसका हमें भरपूर, यहाँ का जो भोजन है और जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं। पंजाब जिसके लिए जाना जाता है, अपनी बातों के लिए, अपने खाने के लिए, अपने कल्चर के लिए, वो देखने को मिला? वही खाने की बात तो हम अपने यहाँ कहते हैं, हम पहले भी घूम के गए हैं अमृतसर वगैरह, लेकिन हम यहाँ के जो कह नहीं सकते हैं, आपको शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि जिस तरह से भोजन को यानी खाना कहते हैं उसको हमारे यहाँ, तो या कहीं भी सबसे बढ़िया जैसे पनीर माना जाता है, दो दो पनीर है और दाल है, पराठे हैं, अब क्या कहें, हम आगे चल के चाय कॉफ़ियाँ तो है ही हैं। हाँ, तो भाई साहब, ये भाई राहुल गांधी जी भारत जोड़ने को निकले हुए हैं, क्या लगता है भारत तोड़ा किसने है? ये जो शब्द हैं केवल वो उनका, लोगों ने जोड़ो के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तोड़ो को, जबकि साफ बात है इस पे आप देख रहे हैं कि नफरत छोड़ो हमारे दिलों में। नफरत फैला कौन रहा है? ये देखिएगा, एक तो भाषा की समस्या होती है, हम आपसे हिंदी बोल रहे लेकिन हम आपसे पंजाबी में नहीं बोल पाएंगे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पंजाबी सीखें। नहीं, लेकिन उसका तो चलो हम करते हैं, आपका सत्कार करते हैं कि आप हिंदी नहीं बोल सकते, हम आपकी लैंग्वेज का आदर करते हैं, आप हमारी लैंग्वेज का आदर करते हैं, ठीक है, वो बात नहीं, लेकिन जो एक नफरत की दीवार खड़ी की जाती है जिसकी बात अक्सर करते हैं, जैसे राहुल गांधी जी का मैं बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि कौरव आजकल शॉर्ट पैंट में है। ये जो आप कह रहे हैं, आपका इतना नॉलेज है कि आप बात कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन इसके अलावा एक भाषा और आई है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनकी भाषा आप जगह जगह लिखी देखेंगे, तो हमारा ये जोड़ है कि हम आपकी जो मातृभाषा है उसमें बात करेंगे तो अपनापन आएगा। अब रही बात वो जो आपने कहा कि हाफ पैंट, ये भारत में, स्वतंत्र भारत में जो गांधी जी की हत्या हुई है, वो 30 जनवरी को जो उनका हुआ था शहादत, उसका दिन पढ़ें आप, और लास्ट फेज ऑफ महात्मा गांधी, उनके सचिव जो है प्यारे लाल, उन्होंने लिखा, तो एक दिन की बात में आपको पता चल जाएगा कि
इसने आरएसएस ने कैसे षड्यंत्र पूर्वक गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी स्वतंत्र भारत में बहुत काम करना चाहते थे और वो जानते थे कि हम जो अलग हुए हैं पाकिस्तान से, तो हम उसको अलग ना माने, हम उसको एक साथ दिलों से करने की कोशिश करें। इसी प्रकार से हमारे देश में प्रांतवाद है, पंजाब को हरियाणा या पंजाबियत को यूपी से या केरल तमिलनाडु से, हम अलग रहें प्रांतों के रूप में, लेकिन यूनाइटेड ऑफ नेशंस हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारा संघवाद है इसको पूर्ण सपोर्ट करें। हाँ, ये करना चाहिए। वो एक बात और पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल होगा मेरा ये आपसे, 1984 में पंजाब ने और दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली में, दिल्ली से भी आप होके आए हैं यहाँ पर, जब लुधियाना में आपकी ये भारत जोड़ो यात्रा पहुँचती है वहाँ पर जो दंगों के पीड़ित परिवार थे उनको नज़रबंद कर दिया गया, एक तरह से कांग्रेस परिवार को इस बात के लिए माना जाता है कि वो गुनहगार हैं इस चीज़ के, पंजाब के लोग ये समझते हैं, तो आप उसको कैसे नकारते हैं या आपको उसको कैसे देखते हैं? ये आप 84 की बात कर रहे हैं, 31 शायद अक्टूबर होना चाहिए और 84 को हम इलाहाबाद में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस समय जो घटना हुई उसके बाद जो एक नफरती माहौल बना, तो उसमें हम कांग्रेस को नहीं बल्कि प्रशासन को दोषी मानते हैं। हमारे प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी जी का बयान भी तो देख सकते हैं ना, वो बयानों को आप एक बयान को बराबर चलाने के तरीके होते हैं, इसी प्रकार से जो तरीके रहे हैं लोगों के बीच वो बिल्कुल गलत हैं। राजीव गांधी एक साफ और नेक दिल इंसान थे, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, हाँ, तो उसके कारण वो ये बातें हुई हैं हमारे बीच में। और आज भी यदि हमारे पुरखों के जो इतिहास रहा है वो शहादत का है, तो उसमें इंदिरा गांधी की भी शहादत है महात्मा गांधी की तरह। इसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए कि अब्राहम लिंकन को गोली घाली गई थी, शायद और भी लोगों को। तो ये जो इतिहास की बातें हैं वो मरना तो सभी को है, लेकिन शहीद होना और एक दो व्यक्तियों को लेकर के पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराना, इसको हम ठीक नहीं मानते। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन यूपी और झांसी को कोई गलत कहे तो ठीक नहीं होता। हमारे यहाँ रानी की कुर्बानी है 1857 की, तो एक कविता से हम बात पूरी करेंगे सुभद्रा कुमार चौहान की, बुंदेले हर बोलों के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो एक रानी झांसी ने अंग्रेजों से संघर्ष किया उस समय। आज हम इस नफरत के माहौल में जो डेवलप्ड नेशन है उसके लिए नहीं जा रहे हम लोग, हमारी जीडीपी नीचे जा रही। हम एक किसान हैं, इसमें डीजल जो है आप आश्चर्य क्या 90 रुपये लीटर, हमारा गेहूँ 20 रुपये किलो, एक समय 1 रुपये एक किलो गेहूँ और 1 लीटर डीजल बराबर थे। तो इस तरह से जो असमानता बढ़ रही है, 100 लोगों के पास जो संपत्ति है वो 55 करोड़ लोगों के पास है, इस आवाज़ को श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। तो इधर देखिए, हमने गांव हम पसंद करते हैं, गांव से रहते हैं। और दूसरी बात, गीता का जो उपदेश है वो हमें बुराइयों से लड़ने का बात करता है। तीसरी बात, राहुल गांधी जी हम बड़ी बात हो जाएगी मेरे छोटे मुँह से कि महात्मा गांधी के बाद वो शख्स जो है इस देश में ईमानदारी से वो बराबरी की बात कर रहा है। हम आपका कितना प्यार करते हैं राहुल गांधी जी, विचारों से तो हम क्या बताएं, ये मोहब्बत जो आप लोग देख रहे हैं। और उन्होंने जो अपने को, अब हम तो कोई ऐसे मिले नहीं, लेकिन आप लोगों के द्वारा या उनके भाषणों के द्वारा, और जहां उनके स्वर्गीय राजीव गांधी जी उनके पिताजी की शहादत हुई थी उस स्थान को नमन करके चले वो, तो उन्हें कैसा फील होता होगा, तो वो तो शहादत को वही जानते हैं और ही फील कर सकते हैं। हम लोग तो केवल एक सहानुभूति या देश के नाते, आप सब लोग अपनी ज़मीन को जैसा प्यार करते हैं, जैसे देश को प्यार करते हैं, ऐसे अपने लीडरान को प्यार करते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता था, क्या वो धारणा टूट गई है? ये तो देखो, हम जैसे श्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई शब्दों का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी जी जो है DDODD कहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए,
तो आपको कितना फील होता है? हमारी महिला ने भी पूछा हमसे। तो इस तरह से ये फीलिंग्स ठीक नहीं है। जिसको जैसा है हम वैसा कहें, यदि उनके विचार जो है, आप देखिए इंटरनेशनल में उनका इंग्लिश में जब आमने सामने बात हुई तो वो इंटरव्यू हम बार बार पढ़ते हैं कि उन्होंने वहाँ कहा कि ये भारत में जो सरकार है और उसके तंत्र के जुड़े हुए लोग आरएसएस, ये पेट्रोल की तरह लोगों को कैन लिए घूमते हैं। तो इसमें आप ये ना माने कि वो बातें नहीं हो रही हैं, वो बातें सरकार के द्वारा होना गलत है। यदि स्टेट जो है वो नागरिकों के खिलाफ हो जाए, ये गलत है। हाँ, व्यक्ति और संगठनों की बात अलग है। तो ये स्टेट जो है, ये जो है कुछ लोगों के लिए, जैसे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं, ये संवैधानिक पद पे ये साथ ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इसके खिलाफ जो है हमें लगता है कि आप और हम सब खड़े होंगे और आगे चल के अच्छा सुंदर भारत बनाएंगे। धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात। हाँ जरूर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये सन भाई साहब जिहड़े झांसी तो आए हुए ने ते भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने ने, जुड़े रहो द टीवी NRI दे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद।